हेलो हेलो तो अंत में मैं मांगीलाल जी निनावा साहब बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक जो प्रतापगढ़ जिले से आते हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो इनको भी आप सुनकर जाएं। हाँ आज के इस भूला वालोरिया की पावन हार्दिक आभार आपने ये जो कार्यक्रम आज ऐतिहासिक बनाया। आज जितनी सारी यहाँ बातें हुई उसमें एक ही बात बोली गई कि भारत देश का मूल बीज, मूल मालिक इस अरावली पर्वतमाला के पहाड़ियों से निकला हुआ है, लेकिन मालिक आज जगह जगह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। मालिक को एकदम मांगने वाला बना दिया है। जहां पर देखो, पंचायत में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, तहसील में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, कलेक्टर में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, वन विभाग में जाओ लाइन लगना पड़ रहा है, और हर जगह भगाया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है मेरे भाइयों, मेरा आपसे सवाल है, ये जो पुलिस विभाग है ये पहले आया है या हमारे बाप दादा पहले आए हैं? ये जो वन विभाग है ये वन विभाग पहले आया हमारे बाप दादा पहले आए? ये जो मोबाइल है ये मोबाइल पहले आया या हमारे बाप दादा पहले आए? ये जो सड़कें हैं ये सड़कें पहले आई या हमारे बाप दादा पहले आए? ये जो मार्केट में भिखारी बन करके दुकान लगाने के लिए जो लोग आए हैं वो पहले आए या हमारे बाप दादा पहले आए? पहले कौन? पहले हमारे बाप दादा आए हैं मेरे भाइयों, लेकिन आज हमारे बाप दादाओं को पंचायत में जाकर के मांगना पड़ रहा है, कलेक्ट्री में जाकर के रिकॉर्ड मांगना पड़ रहा है। क्या रिकॉर्ड मांगना पड़ रहा है? कि हमारी जमीन कहां है और कितनी है और किसके नाम है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारत देश के मालिकों को अपनी खून की पहचान नहीं है मेरे भाइयों। हमारे अंदर बहने वाले खून की पहचान हमको पता नहीं है। भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है कि भील आदिवासी इस देश का मूल बीज है, लेकिन यहां के लोग जो चोटियां चोटीधारी लोग आते हैं वो हमको बोलते हैं कि हम मूल बीज ना होकर के जनजाति हैं, तो हम उसके पीछे चले जाते हैं। अरे भाइयों, वो बिगड़ल संतान ही है, बिगड़ल औलाद है, और वो बिगड़ल औलाद मालिकों पे अधिकार करने के लिए बाहर से बिगड़ करके यहां आई हुई है, बाहर से भाग करके यहां आई हुई है। इसलिए वो हमको पाठ पढ़ा रही है। क्या पाठ पढ़ा रही है? क्या पाठ पढ़ा रही है? हजारों सालों से यहां धर्म आया। कभी ऐसा सुना है क्या? कभी ऐसा सुना है क्या कि इंसान ही नहीं था उससे पहले ही धर्म आ गया? ऐसा सुना है क्या? जब इस अरावली पर्वत श्रृंखला में पहला बीज आदिवासी का था, भील आदिवासी का था, तो ये धर्म के तुमड़े बाद में आए कि नहीं आए? आए या नहीं आए मेरे साथियों? जब ये धर्म के तुमड़े बाद में आए तो हमारे यहां पर बड़े बड़े झंडे क्यों लगा रखे हमने? क्यों लगा रखे? ये धर्म के झंडे जितने भी हमारे आसपास हमने लगा रखे हैं वो इन भिखारियों ने इसलिए लगाए क्योंकि उनकी नजर हमारी जमीन पर है। हमारे बाप दादाओं की बदौलत
लड़ाई की बदौलत, हमारे बलिदानों की बदौलत हमको मिले अधिकारों पर है। हमारे बाप दादाओं की बदौलत आज जो हमको संस्कार मिला हुआ है, जो संस्कृति मिली हुई है, उसको खत्म करने की नजर उनकी है, इसलिए वो लगा रहे हैं। यह हमको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठेकेदार लगा दिया उन्होंने। मेरे पिताजी का नाम शांतिलाल जी है, तो वो लोग चाहते हैं इसको पता नहीं चलना चाहिए इसके पिताजी का नाम शांतिलाल जी है। शांतिलाल जी का नाम हटवा करके उन्होंने कांतिलाल जी का नाम मुझे पकड़ा दिया और हमने पकड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? दादा ने पहले बोला कि रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई, कुरान कौन सी भाषा में लिखी गई, बाइबिल कौन सी भाषा में लिखी गई, बाइबिल कौन सी भाषा में लिखी गई, तो हिब्रू भाषा में। रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई, तो संस्कृत भाषा में। कुरान कौन सी भाषा में लिखी गई, तो अरबी भाषा में। हमारे आसपास हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को कभी आपने संस्कृत बोलते हुए सुना है क्या? मातृभाषा संस्कृत बोलते हुए सुना है क्या? नहीं सुना है, तो जो संस्कृत में लिखे हुए जितने भी ग्रंथ है वो हमारे कैसे हुए? हमारे आसपास हमारे बाप दादा कभी हिब्रू भाषा बोलते हुए सुना है क्या? सुने हैं क्या मेरे साथियों? जवाब तो दो। नहीं सुना है तो फिर यह हिब्रू भाषा में लिखे हुए ग्रंथ धार्मिक तुमने हमारे कैसे हुए? कभी आपने हमारे बाप दादाओं को अरबी भाषा में बोलते हुए सुना है क्या? अरबी भाषा में बोलते हुए नहीं सुना है तो अरबी भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हमारे कैसे हुए? धर्म के तुमड़े हमारे कैसे हुए? मेरे कहने का मतलब ये जितने भी ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, बाबले लोग हैं, मक्कार लोग हैं, नजर ओलादी है, हराम खोर लोग हैं, उन्होंने देश के मालिकों को लूटने के लिए तरीके लगाए हैं मेरे साथियों। मोबाइल दे देना मुझको ये वाला। देश के मालिकों को लूटने के लिए तरीके लगाए हैं, देश के मालिकों को वापस मालिक बनना है, तो ये धर्म के तुमड़े पाखंड ढोंग धतूरा नाजायज औलादों की जितने भी धतूरे हैं उन सबको दूर करने की जरूरत है या नहीं है? है। बहुत सारों को अभी भी पच नहीं रहा है कि कैसे दूर कर दे, कैसे दूर कर दे। अरे साथियों, 14 से 15 साल तक मुझे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस उसके शाखा में ले गए, एक ही बात सिखाई, बोलो महाराणा प्रताप की। हम जोर जोर से बोलते थे जय महाराणा प्रताप की, वो बोलते थे जय शिवा सरदार की, हम और जोश में बोलते थे जय शिवा सरदार की, पालकी रे पालकी जय कन्हैया लाल की, हम बोलते थे हालकी रे पालकी जय कन्हैया लाल की। फिर धीरे धीरे जब आदिवासी परिवार के जन जागरण में मुझे पता चला कि हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, राणा पूंजा भील, कालीबाई कलासुआ, नाना भाई खान, नरुआ ननामा, माला कटारा, ऐसे लोग हैं। फिर समझ में आई, अरे साला ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, ये तो इनके बाप दादाओं की जय बुलवाते हैं हमसे, हमारे बाप दादाओं की जय कभी नहीं बुलवाते हैं, उसके बावजूद संगा दक्षा करते करते हम उसके पीछे चले जाते हैं। साथियों थोड़ी देर की थी कि उनके बाप दादाओं की जय हमसे करवाई और धीरे धीरे जय करते करते हमारे बहुत सारे हमारे अपने भाइयों को उनका बना लिया और उनके दिमाग में ये घुसा लिया कि हमारा समाज जागृत हुआ तो वो क्या कहने लग गए कि
राणा पूजा भील नहीं था, वो हमारा सोलंकी था, राजपूत था। मान लेते हैं आपका पूजा राजपूत था, तो मैं कहना चाहता हूं, सवाल पूछना चाहता हूं जनजाति सुरक्षा मंच से कि आज राजपूत अंदर कितने राजपूतों का नाम पूजा है बताएं। सही बात बोला है दादा ने। कितने राजपूतों का नाम पूजा है बताएं हमको। एक का भी नाम नहीं मिलेगा। जो सोलंकी राजपूत बताते हैं वो कमेंट करके बताएं। सालो कितना समय हो गया तुम सोलंकी राजपूत करते करते राणा पूजा को। अब जवाब दो ना। केलवाड़ा में राणा पूंजा की मूर्ति टूटी तब तुम नहीं बोले थे? मंगलवार के दिन था तब मंगल। अब बोल रहे हो राणा पूंजा राजपूत है? सबने अपने अपने नाम ने अपने पूर्वज पुरखाती मांडो थकोरे तो था मांडो नाम पड़ता। तो हमारे बाप दादा पूर्वजों की जो पहचान है वो नाम से हो जाती है मेरे भाइयों। तो पूजा भीम था ये एक नाम से पता चल रहा है कि वो इस देश के मालिक का बीज है, मालिक है मेरे भाइयों, ये हमारे नाम से पहचान पता चलती है। जबरदस्ती मर्जी पड़े वहां घुसेड़नी से काम नहीं चलेगा। अब यह समुदाय जाग चुका है और समझ चुका है। यह जो सिरो इलाका है, यह जो बांसवाड़ा है, यह डूंगरपुर है, यह प्रतापगढ़ है, यह जो उदयपुर है, यह ना मुगलों का गुलाम बना, ना अंग्रेजों का गुलाम बना और ना ही राजे रजवाड़ों का गुलाम बना। ये तय हो चुका है और क्लियर हो चुका है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी किसी का गुलाम नहीं बना और उसमें भी भील आदिवासी किसी का गुलाम नहीं बना, ये इतिहास में दर्ज है। और आज हम लोग उस इतिहास को भूल चुके हैं। उसको भिलाने के पीछे हमारे एरिया में सबसे बड़ा षड्यंत्र है छट्टादारी गैंग का। पहले बनाया वनवासी कल्याण परिषद, वनवासी से दाल नहीं गली तो आप बोले जनजाति सुरक्षा मंच। ऐसे दालें बनाने की खूब कोशिश करेंगे लेकिन ऐसे नागड़ों को नंगा करके भगाने की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि जो बिरसा मुंडा हुए वो किसी पार्टी के नहीं थे, किसी संगठन के नहीं थे। राणा पूजा भील हुए वो किसी पार्टी के नहीं थे, किसी संगठन के नहीं थे। हमारे यहाँ पर लाखिया भील, कानिया भील, सुरता भील, नाथिया भील ये हुए, ये किसी पार्टी के नहीं थे, ये सामाजिक क्रांति के लोग थे और समाज का खून इसमें था और वो इस देश के मालिक थे, ये उनको अच्छी तरह से पता था। मालिक मालिक बनकर के लड़ा, हमको भी मालिक बनकर के लड़ने की जरूरत है मेरे साथियों। ये पार्टियां हमारा कल्याण नहीं करेगी, सामाजिक क्रांति ही हमारा कल्याण करेगी। लेकिन ये भी नहीं कि हम लोकतंत्र जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे दूर रहे, वोट के अधिकार से दूर रहे। आज का जो सिस्टम इन्होंने बनाया है इस सिस्टम को तोड़ना है तो हमारी अपनी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनानी पड़ेगी। मतलब भूला वालोरिया के अंदर कोई चुनाव लड़े तो भूला वालोरिया के लोग मिलकर के तय करें हमारा उम्मीदवार कौन होना चाहिए। कोटड़ा के अंदर चुनाव लड़े कोई तो कोटड़ा के जो गणवीर है, वोटर है, वोट देने वाले हैं, वो भाई लोग मिलकर के बैठ करके तय करें कि हमारा उम्मीदवार कौन होना चाहिए। मैं आज प्रतापगढ़ से हूं तो प्रतापगढ़ वाले को थोड़ी पता है कि कोटड़ा में कौन आदमी सिनाड़वा है, कौन तारुड़िया है, कौन सोटो है, कौन दूसरा गान गुलामी करता फड़े कौन है, ये मैंने खबर ये कोटड़ा के लोग ही पता है। तो हमारा कहना यही है
आदिवासी परिवार का यही कहना है कि जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली में जो वोटर है वही अपने नेता को तय करे। अगर जनजाति मंच उनके अंदर औकात है तो यह चीज करके बता दे, बीजेपी के अंदर औकात है तो यह पावर दे करके बता दे, कांग्रेस के अंदर यह पावर औकात है तो करके बताए, हम आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है हम बाहर से आए हुए बीज हैं, ठगारे बन के आए हैं, भिखारी बन के आए हैं, चोर बन के आए हैं, डकैत बन के आए हैं। वो चाहते हैं मालिक है उनको गुलाम बन के रख करके रखे, इसीलिए वो लोग कोई हिंदूकरण की नीति चलाते हैं तो आदिवासियों के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिमकरण की कोई नीति चलाने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के बीच चलाने की कोशिश करते हैं, ईसाईकरण की कोई नीति चलाने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, आसाराम बापू की भक्ति चलाने की कोशिश करते हैं तो आदिवासियों के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं, हमारे टुकड़े करना चाहते हैं। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, ये धर्म नाम की बीमारी हमारे आदिवासियों का टुकड़े करने के लिए ये लोग, दूसरे देशों से आए हुए लोग हमारे लोगों के बीच में डाल रहे हैं। हमारे समाज को इस धर्म मुक्त, हमारी प्रकृति पूजा जो हमारे बाप दादाओं की पहचान है उसको अपने हाथ में लेनी होगी, ये ढोंग धतूरे पाखंड दूर करने होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे साथियों। दूसरी बात, जो भी पार्टी हमारे एरिया में आ रही है उसका निर्णय लेने वाली बात जो मैंने कही आपको, अगर निर्णय लेने वाले बाहरी लोग हैं, तिलक तराजू तलवार है, इसका मतलब वो हमारी नहीं है, इसका मतलब है वो हमारे जंगलों पे राज करना चाहती है, हमारे हक अधिकारों पे राज करना चाहती है। और इसका उदाहरण 2013 में सबूत के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये साइन किया हुआ है 2013 में शंकर लाल आहारी कौन है, ये तो भील रैया मीणा बनाया हुआ है ना, कौन है, ये तो भील सुरेंद्र कुमार बामणिया, कौन है, ये तो भील लाल शंकर घाटिया, हे कौन, हे तो भील नगराज मीणा, कौन है, हे तो भील। लेकिन लड़े किससे, कांग्रेस पार्टी से, इन्होंने उस पार्टी की गुलामी करके साइन करके हमारे एरिया का आरक्षण बेच करके खाया, और आप लोग उन्हीं हरामखोरों को वोट देते हो, शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जो लोग हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं उन नालायकों को हम वोट दे रहे हैं, ये हमको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। हमारे बाप दादा ने किसी पार्टी को वोट दे करके हमारी जमीन किसी दूसरे को दी क्या, नहीं दी, लड़े कभी गुलामी नहीं की, मर गए कभी गुलामी नहीं की, लेकिन हम एक पोटली के पीछे और पैसों के पीछे इन पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। मेरे साथियों हमारे बाप दादाओं ने लंबी नजर रखी, लंबी नजर रखते हुए हमारे लिए जमीन रखी, पहाड़ रखे, नदियां रखी, हमारी अपर प्राकृतिक संपदा थी उसको बचा के रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे बाप दादाओं ने 5 पीढ़ी के लिए रखी, आप कितनी पीढ़ी के लिए बना के रखे जा रहे हो, जवाब है क्या आपके पास? हमारे बाप दादाओं ने अनुमान लगाया था कि मेरी निकाल लेगी, क्या आप ये गारंटी दे सकते हो क्या कि हमारी आने वाली 5 पीढ़ियां यहां रह जाएगी? नहीं दे सकते हो। उसका सबसे बड़ा कारण है धर्म और राजनीति। ये धर्म और राजनीति जिस दिन हमारे सब परिवार को समझ में आ जाएगी उस दिन हमारा देश जो हमारा है वो हमारा बन जाएगा, हमारा बन जाएगा।
मेरे साथियों प्रतापगढ़ से सुबह 10 बजे से मैं यहाँ निकला और यहाँ तक इतने बजे तक पहुंचा आपके बीच में। तो इसी तरह से कांति भाई आदिवासी रोज जन जागरण कर रहे हैं, भंवर दादा रोज जन जागरण कर रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ से भी एक बंदा ऐसा निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए जो प्रतापगढ़ के आदिवासियों को जगाए, ऐसा निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? अरे निकलना चाहिए पर पे मेराड़ा केर में निकलवो तो सही है पर मेराड़ा केर में बिरसा मुंडा पैदा तो होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, राणा पूंजा भील पैदा तो होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, फालतू में कहीं मारा जाएगा। मेरे भाइयों आप देश के मूल मालिक हो, भील आदिवासी की संतान हो, तो आप हर व्यक्ति के अंदर राणा पूजा भील है, नाथिया भील है, लाखिया भील है, उठो हमारे समाज को जगाओ, जन जागरण में भागीदार बनो, संवैधानिक जन जागृति घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है मेरे साथियों, भील प्रदेश बनाना है हमको, ये हमको अपने आप में प्राण लेने की जरूरत है मेरे साथियों। ये जो टके की पार्टियां है ना, इनको भगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर घर घर हमारा जन जागरण पहुंच जाएगा और उस जन जागरण में एक ही चीज कि जल जंगल जमीन और इस देश के जो मालिक है वो हम हैं, और हम ही नहीं भील आदिवासी हैं। कौन बोल रहा है? 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। ये बात हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। हम दौड़ दौड़ करके जाते हैं मार्केटों में, मार्केट में हम जाते हैं तो वहां देखते हैं चम्मच ले आओ, यू चम्मच। तो मेरे भाइयों जिस दिन चम्मच नहीं था उससे पहले हमारे पास क्या था? 60वां थोक नहीं तो, अरे लकड़ी का बना हुआ 60वां थाक नहीं था? डोइलो था। मार्केट में गए, मार्केट में दौड़े गए, परात तो परात नहीं थी, उससे पहले हमारे पास कसौट थी कि नहीं थी? लकड़ी की केंडो लकड़ी की थी कि नहीं थी? जिस दिन लकड़ी की कसौट थी उस दिन परात की जरूरत थी क्या? नहीं थी। हमारे मेवाड़ में कुंडू, जिस दिन हमारे केंडू की जरूरत वो था हमारे पास, उस दिन चम्मच की जरूरत थी क्या? नहीं थी। तो इन चम्मच ने आकर के, इन परात ने आकर के, ये तो भोग विलास की बाहरी चीजें जो हमारे को देख देख के बनाई, वो चीजें हमको गुलाम बना रही है मेरे साथियों। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे स्थानीय लेवल पर हमको वापस हमारी जो चीजें है वो बनाने की जरूरत है कि नहीं? बाज जिस पर हम जीमते हैं वो हमारे खाकरे के पत्ते से हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब खाकरे के पत्ते से बाज हमारे घर पे बनने लग जाएगी तो उनकी जरूरत पड़ेगी क्या? जब उनका सामान नहीं बिकने लग जाएगा तो वो यहां रहेंगे क्या? तो हमारे आरपी दादा बोलते हैं, बांध जाते मेली मड़े है, काड़िया वाड़ा मड़े है। नहीं, एक बात और नहीं कहूंगा, काटता रहो। तो हमको दिमाग से चलने की जरूरत है। जो चीजें हमारे पूर्वज पुरखों के पास, हमारे बाप दादाओं के पास, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी विरासत थी, उसको वापस अपने हाथ में ले लो, अपने आप मालिक बन जाओगे, यह हमको समझने की जरूरत है मेरे साथी। हर चीज हमारे हाथ में लेने की जरूरत है। बात बात पे हम तेज हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, लड़ाकू बनने की कोशिश करते हैं, वो बनाने की कोशिश करेंगे, हमको बनना नहीं है। ताक राग भी है पर केवड़ू भी नहीं है। हमारे अंदर सुधारा करो, अपने आप रवाना हो जाएंगे मेरे भाई। हमारे वहां ग्राम पंचायतें हैं, चुपना ग्राम पंचायत है, वहां पे हमारे भील आदिवासियों के ज्यादा नहीं 10 मकान है, 15 मकान है,
अब सेक्युलर एरिया के अंदर सरपंच बनने का अधिकार उनको नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारे ही भाइयों में से एक को दाढ़ी रख लेते हैं और उसको हमारे ही भाई के सामने खड़ा कर देते हैं। हमारे वहां चालू कर दिया है हमने कि आप हमारे 13 घर है, 12 घर है, तो 12 घर को बैठ करके एक ग्राम पंचायत का मुखिया तय कर लेना है। इनके वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे भाइयों, ये हमको यहां पर भी करना है अगर हमारे यहां पर ऐसा है। 13 घर है, 12 घर है, 12 घर में से हमारे ही एक भाई को तय करके हमको एक को सरपंच बनाना है, खड़ा कर दिया, तो ऐसे लोगों के वोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे लोगों के वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये बाद में बोल भी नहीं पाएंगे कि हमारे को आरक्षण दो, हमारे को इनको जो चीजें मिल रही है वो दो, बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, हर चीज हमको सोच समझ करके आगे बढ़नी है, बढ़ानी है, और जो भी आपको अच्छे विचार लगते हैं, जो भी आपके पास में पूर्वजों की कोई संपत्ति है, कोई पूर्वजों की कोई विरासत आपके पास में सुरक्षित है, तो आदिवासी परिवार में विजन बुक में उसको शामिल करवाइए मेरे साथियों। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात यही रोकता हूं। आप सबने मुझे सुना और यहाँ के साथियों ने जितनी मेहनत करके ये कार्यक्रम सफल बनाया, उस सब के लिए मैं आपका पूरे तहे दिल से आभार शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, इसी तरह का जो कार्यक्रम है इससे भी दुगुना कार्यक्रम 4 तारीख को जो हो रहा है, आयोजित होने वाला है, उसको तन मन धन लगा करके हम सबको मेहनत करके ऐतिहासिक से महा ऐतिहासिक बनाने की कोशिश जारी रखनी है। इन्हें शब्दों के साथ में जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सब की जय। बार बार बोलते होंगे कि आदिवासी भील प्रदेश, ये धीरे धीरे चिंतन शिविरों में लगातार हम रहेंगे तो हमको समझ में आ जाएगी। आभार, जोहर, धन्यवाद, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।